बताया ना, उदय प्रताप सिंह धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली नौ वर्ष के पूरे होने पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की पहली अनुसूचित जनजाति महिला इस देश में राष्ट्रपति बनी है, उनके द्वारा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत अभिभाषण, जिसका श्री सीपी जोशी जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया, मैं उसका समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी का इस सदन के माध्यम से अभिनंदन भी करता हूं। सभापति महोदय, आचार्य चाणक्य ने एक जगह उल्लेख किया, उन्होंने लिखा है, हाउस नॉट इन ऑर्डर सर, आपस में बातचीत ना करें प्लीज जी। सभापति महोदय, आचार्य चाणक्य ने लिखा है, दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा, न्यायेन कौशस्य ही वर्धनम च, अपक्षपाता निज राष्ट्र रक्षा, पंचैव धर्म कथिता नृपानाम। अर्थात दुष्ट को दंड देना, स्वजनों की पूजा करना, न्याय से राजकोष बढ़ाना, पक्षपात न करना एवं राष्ट्र की रक्षा करना, ये राजा के पांच कर्तव्य हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके अंदर विद्यमान इन पांचों गुणों के कारण आज पूरे देश में हम न्याय की व्यवस्था को पुष्ट करने में कामयाब हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, अराजक तत्वों पर, आतंकवाद पर नियंत्रण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो सम्मान के योग्य है उनका सम्मान हो रहा है और हमारी आज अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें न्याय के मार्ग से अर्थव्यवस्था सुधारी जा रही है, किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं होने दिया जा रहा, वह कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सभी की सुनवाई इस देश में हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा का, जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंतरिक सुरक्षा को जो ताकत देने का काम किया है, मुझे लगता है वो सरकार की सफलता में चार चांद लगाने वाला काम है। हम सभी का सौभाग्य है, हमको एक योग्य नेतृत्व में काम करने का प्रधानमंत्री जी अवसर मिला है, माननीय सभापति जी अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये देश ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। मैं जिस धरती से आता हूं सभापति महोदय, वो धरती जहां माखनलाल चतुर्वेदी हरिशंकर परसाई जी ने जन्म लिया, मैं उस धरती से आता हूं जहां आचार्य रजनीश का जन्म हुआ, महेश योगी ने वहां पर जन्म लेकर पूरी दुनिया में मान बढ़ाने का काम किया, विंध्याचल और सतपुड़ा की वादियों से जुड़ी हुई वो धरती नर्मदापुरम नरसिंहपुर रायसेन की, जहां पर डेलन शाह और नरवर शाह जैसे अनुसूचित जनजाति के हमारे राजाओं ने इस देश की रक्षा करने का काम किया था। मैं जो कहने जा रहा हूं सभापति महोदय, वो किसी का स्तुतिगान नहीं है। और मुझे लगता है कि हम जैसे भारतीय लोकतंत्र के स्वाभाविक रूप से जन्मे जनसेवक को जब काम करने का अवसर मिलता है, तब शायद मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और मैं इस बात को कहता भी हूं कि 28 साल के निर्वाचित राजनीतिक जीवन में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, इनके जैसा सामर्थ्यवान नेतृत्व, काबिल नेता, संवेदनशील नेतृत्व, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री जो इस भाव को लेकर जीता है। माननीय सभापति महोदय, हम आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं, जहां सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र के साथ दुनिया का भारत अग्रणी राष्ट्रों की सूची में आ रहा है। आज भारत दुनिया में शांति का टापू बनता जा रहा है। पहले जो अराजकता के लिए जाना जाता था, आज ये देश पूरी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर अनेक तरह के आक्रमण होते हैं, वैचारिक आक्रमण और दूसरे तरह की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किसी कवि ने कहा है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो खूब चमकता है,
सभापति महोदय, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, नदियों का नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचें राज सरल होगा, राज तो कठिन रहता है, और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचें राज सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में बहुत विस्तार से इस देश के एक ऐसे भारत की कल्पना की है जो सही मानों में आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र की कल्पना थी, हिंदुस्तान के नागरिकों की कल्पना थी, एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। राष्ट्रपति जी ने कहा है अपने अभिभाषण में, ऐसा भारत जिसमें हर गरीब के पास अपना घर हो, ऐसा भारत जहां हर गरीब के पास पीने का जल उपलब्ध हो। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस हिंदुस्तान में हर बेटी लाडली लक्ष्मी हो, हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा भारत जो 2047 में आजादी की जब शताब्दी वर्ष बनाएगा उस समय दुनिया का एक आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत इस देश में बने, ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा है, और प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के माध्यम से इस संकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अगर संप्रभुता संपन्न भारत की बात की है तो वो गलत नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। गरीबी, जैसा सीपी जोशी जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा, गरीबी भाषण का विषय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके ऊपर काम हुआ है। सन 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ हरित क्रांति का नारा दिया, अलग अलग सरकारों ने उस पर अलग अलग तरह के नारे चलते रहे और काम करने का जमीन पर कहीं को उतारा नहीं गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सही मानों में गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं आई। 2014 के पहले जब गरीब बीमार होता था तो उसकी संपत्ति बिकती थी, उसकी जमीन बिकती थी, अगर मजदूर है तो किसी बड़े आदमी के यहाँ, किसी बड़े कृषक के यहाँ, किसी पूंजीपति के यहाँ, अपने बेटे को काम के लिए गिरवी रख के वो इलाज कराने जाता था जब उसकी जान बचती थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, एक ऐसी आयुष्मान योजना जिसने हिंदुस्तान में बीमार गरीब को 5 लाख तक के इलाज, प्रत्येक वर्ष उसको इलाज मुहैया कराने के लिए योजना चालू की है, और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ स्कीम हमारी, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस योजना में प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। अगर राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में गरीब के घर का जिक्र किया तो मुझे लगता है वो अनुचित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ घर बनाने का काम 9 वर्षों में हुआ है। सभापति महोदय, में जब जनपद का अध्यक्ष होता था 94 में, तब 7,000 रुपया उस समय की आवास योजना में मिलते थे, बाद में जब विधायक बना तो 35,000 रुपए उस योजना प्रधान में अपना आवास योजना में मिलते थे, सांसद बनके जब आया 50,000 रुपए आवास के मिलते थे, वो किसी नाम से आवास योजना चलती थी। किन शब्दों में धन्यवाद दूं हमारे देश के जननायक का कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले नामों की परंपरा खत्म की, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उस योजना को आगे बढ़ाया और 2009 में मिलने वाली 50,000 रुपए की राशि को 3 गुना करते हुए गांव में 1.5 लाख रुपए और 5 गुना करते हुए शहरों में 2.5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जल जीवन मिशन की हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत व्यापक रूप से उल्लेख किया, 11 करोड़ घरों में हम पानी भेजने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, माननीय सभापति महोदय, 2008-09 में उस समय के जो हमारे सांसद यहाँ बैठे हैं वो इस बात को समझते होंगे, वीरेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं, ये तो लगातार 8वीं 9वीं बार यहाँ सांसद बन के आए। 2008-09 में यूपीए की सरकार द्वारा इस कारण से बनी थी कि 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा इस देश में उन्होंने की थी। आज मैं बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, हमारी सरकार हर साल 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करते हैं। हम हर 5 साल में 5 गुना पैसा 2008 के मुकाबले में किसानों के खातों में देते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गांव में रहते हैं आपका संसदीय क्षेत्र सभापति महोदय, 80% गांव में आता है। गांव के गरीब को कोविड के समय जब लोग घरों में थे, खाने के लिए हाहाकार मची हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से उसको राशन भिजवाने का काम किया।
प्राकृतिक खेती और मिलेट। आज आप कल्पना करिए, पहले जो किसान कोदो कुटकी ज्वार बाजरा जो लगाता था वो निरीह किसान माना जाता था, उसकी उपज का मूल्य बाजार में नहीं मिलता था सभापति महोदय, खाने वाले लोग नहीं थे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का जिनके आह्वान पर 2023 मिलेट ईयर पूरे वर्ल्ड में दुनिया में घोषित किया। और आज चूंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि श्री अन्न हमारा जो है श्री अन्न मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य और सेहत को ठीक करता है और उस गरीब किसान को जो इन जिस अनाज को उत्पादन करने का काम करता है उसकी जेब को भी भरने का काम करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगर माननीय सभापति महोदय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में अगर कहा है कि हमारी सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही है, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही, तो गलत नहीं कहा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2013-14 और 2022-23 के बीच में किसान की परिस्थितियों को हमें आकलन करना होगा। 2013-14 में सरकार का मन और किसान का जो MSP थी वो, और 2022-23 में किसान की MSP और सरकार के मन की मैं आपके माध्यम सदन में रखना चाहता हूं। 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1310 रुपए था सभापति महोदय, आज 2040 रुपए, लगभग 56% की वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया। राष्ट्रपति जी ने अगर कहा है किसान की संपन्नता की बात की है तो कल्पना करिए 2014 में किसान को 1400 रुपए का गेहूं का समर्थन मूल्य मिलता था, आज 2150 देने का काम भारत की सरकार करती है। और भाजपा नीत अगर मध्य प्रदेश जैसी सरकार रहती है वो उस पर 100 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का काम भी माननीय सभापति महोदय करती हैं। चना गन्ना मसूर इसमें दुगना, लोग कहते किसान की दुगने की आय, दुगनी आय करने का जो प्रधानमंत्री जी का वाक्य है वो जुमला है, वो ये जानते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर 3100 की चने की जो MSP थी उसको 5335 किया है तो क्या किसान की आय दुगनी करने की तरफ ये प्रयास नहीं। मसूर अगर 2950 बिकती थी उसे 6000 रुपए दुगने से भी अधिक बढ़ाने का काम किया है तो क्या ये सरकार की नियत किसान को संपन्न करने की नहीं। गन्ना 210 रुपए बिकता था 2014 में, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश से बैठे, 2010 आज 400 रुपए के ऊपर गन्ने का समर्थन मूल्य है, क्या ये किसान की आय दुगनी करने के लिए सरकार का एक संकल्प नहीं। ये ऐसी कितनी चीजें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में जो कहा है वो यथार्थ के करीब है और हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है उसको जस्टिफाई करने का एक प्रयास है। सभापति महोदय मैं एक बजट हमारा जो आया, हालांकि विषय बजट का नहीं है लेकिन चूंकि किसानों के लिए क्या सरकार करती है वो एक 30 सेकंड में आपके सामने रखता हूं कि UPA के समय जो बजट मिलता था वो 1,48,000 करोड़ का जो बजट है वो अलॉटमेंट आता था हमारे 5 साल में उस समय। आज NDA के समय 6,21,940 करोड़ रुपए का बजट, लगभग 4 गुने से अधिक पैसा देने का काम किया। किसान सम्मान निधि 0 थी पहले, अभी हम 5 साल में हम 2.24 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं। खाद्यान्न प्रोडक्शन आप देखिए, 2014 में अगर 246 मिलियन टन था आज लगभग 274 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न पहुंचा। ऐसी कितनी चीजें हैं अगर हम इनकी तुलना करने लगे माननीय सभापति महोदय तो सुबह का सूरज शाम को पहुंच जाएगा। कृषि अवसंरचना के ऊपर आज 2022 में लगभग 69.55 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। किसान रेल योजना 167 रूटों पर चलती है और लगभग 7.9 लाख टन खेपे जो है वो गंतव्य तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसमें भी हमारी सरकार ने देश में 18,133 से अधिक परियोजनाओं के लिए 13,681 करोड़ रुपये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अलॉट किया है। कृषि के क्षेत्र में कृषि राज्य का विषय था पर मोदी जी ने इसमें सीधी मदद करके सीधा दखल देकर आज भारत की सरकार को भी कृषि के क्षेत्र में भेजने का काम किया। NDA के समय 2014 में जो 21,943 करोड़ का NDA के समय कृषि के क्षेत्र में भेजते थे, आज अकेले 2022-23 में 1,24,000 करोड़ हमने कृषि के क्षेत्र में भारत की सरकार ने प्रदाय किया। हमारी एक्सपोर्ट ट्रेंड देखिए आप खेती का, क्योंकि हम लोग किसानी परिवेश से आते हैं, 2013-14 में 37.2 बिलियन US डॉलर हमारा एक्सपोर्ट ट्रेंड था, आज 2021-22 में
प्रधानमंत्री जी ने अगर हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्थाएं चुकी हैं तो किसान का माल निर्यात हो, इस बात की भी चिंता की है। 2021-22 में 50.2 बिलियन US डॉलर, लगभग 1.5 गुने से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट ट्रेंड बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन पहले से ज्यादा हमारे देश में हुआ है। आज खेती में पढ़ा लिखा नौजवान खेती की तरफ आकर्षित हो रहा है। सभापति महोदय, स्टार्टअप के साथ लोग जुड़े हैं। मैं अभी अखबार में एक दिन पढ़ रहा था, राजस्थान में एक सिरोही जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर एक नौजवान, 32 साल का नौजवान दिनेश माली, अचानक चूंकि खेती से जुड़ा मामला था, एक इनोवेटिव एक स्टार्टअप के नौजवान की खबर थी, मैं उसे पढ़ने लगा, तो वो नौजवान दिनेश माली लाल आलू की खेती उसने शुरू की। उसके बाद में उसने संतरे आदि लगाने का काम किया, एक बंजर भूमि। विपक्षी लोग कहते हैं गुजरात आइडियल स्टेट कैसे है, मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, उस नौजवान का वर्णन लिखा था कि मैं गुजरात में जाके स्टार्टअप सीख के आया, स्टार्टअप क्या होता है मैंने गुजरात में सीखा, वहां आकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और आज वो नौजवान वहां पर लाल आलू और संतरे की खेती कर रहा है। सभापति महोदय, स्वयं के घर से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मेरे गांव में 2 बच्चे हैं, मुकुल लांगिया और अभिजीत लोधी, ये स्ट्रॉबेरी मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में पैदा हो सकती है। उन बच्चों ने, पढ़े लिखे नौजवान गांव में आए, उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करी। ये मोदी जी के स्टार्टअप का जीवंत उदाहरण है, ये मोदी जी की कार्यशैली का जमीन में उतरता हुआ सबसे बड़ा प्रमाण है। कितने मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में देने का काम हमारी सरकार कर रही, और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन की जब हम बात करते हैं सभापति महोदय, पता नहीं सबको क्यों ऐसा लगता है कि यहां वैक्सीन की जगह सुई चुभ रही। आज इस देश में 260 करोड़ वैक्सीन लगी। आप कल्पना करिए, हिंदुस्तान की आबादी से लगभग दोगुना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है। चाइना, जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानता है, वो आज कोविड में त्राहिमाम की स्थिति में है। वहां पर लोगों का आना जाना बंद है, व्यापार चौपट है, उनकी जीडीपी नीचे जा रही है, उनका एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, लोगों ने वहां से माल लेना बंद किया है। और आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पर बढ़ा है, और ये बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम के ये संभव नहीं था। मैं राष्ट्रपति जी ने जो सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की है, मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मेरे संसदीय क्षेत्र में 100% गांव जो 250 से ऊपर की आबादी के, आप कल्पना करिए इस देश में अगर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते तो क्या आज प्रधानमंत्री सड़कें गांव गांव तक पहुंच पाती। उनकी कल्पना थी, हम उनको बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं। मोदी जी ने पूरे सामर्थ्य से इस योजना को आगे बढ़ाया और आज हिंदुस्तान के गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया। नेशनल हाईवेज को 55% बढ़ोतरी, जितना हाईवे पहले था 9 सालों में दुगना करने का काम हमारी सरकार ने किया। एयरपोर्ट 64 होते थे, आज 147 एयरपोर्ट्स इस देश में काम कर रहे हैं। 27 शहर मेट्रो का काम चल रहा है या मेट्रो चल रही, नए वाटरवेज बने हैं। G20 देशों, चिंता मत करो, G20 देशों की बात जैसे ही चालू होती है तो वो इस बात को प्रमाणित करती है कि आज हमारे साथी अगर चर्चा करते हैं, पूरा देश चर्चा करता है या दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानी चर्चा करते हैं कि मोदी सबसे सामर्थ्यवान। आपके पीछे भी देख लो, जो भटकाते यार इधर से, जो भटका रहे हो, चलिए आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अरे सुनने वाले, माननीय सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन जी वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अधीर मत होइए, आपका भी नंबर आएगा, अभी आपका भी नंबर आएगा, आपको विषय रखने का अवसर मिलेगा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण हमारा एक उल्लेखनीय प्रगति इस देश में हुई है। भारत ने चमत्कारित गति से हाईवेज को बनाने का काम किया है और आज एक दिन में सबसे अधिक सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम पर दर्ज किया है। माननीय सभापति महोदय,
आज जब भारत, अमेरिका, चीन और यूरोप के देश धीमी विकास दर से जूझ रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गलत नहीं कहा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं राष्ट्रपति महोदया का, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की प्रगति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है तो उसके पीछे कारण है। अमेरिका, चीन और यूरोप अपनी धीमी विकास दर से जूझ रहे हैं, तब भारत को भी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारत एक ऐसी ताकत के रूप में उभरेगा जो दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, और भारत पहले ही दुनिया के उन 3 देशों में शामिल हो चुका है जो एनुअल आउटपुट ग्रोथ में 400 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि जनरेट कर सकता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा दशक में भारत दुनिया की 20% आर्थिक वृद्धि को ड्राइव करेगा। सभापति महोदय, भारत के प्रति दुनिया की उम्मीदों का बड़ा कारण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उसके द्वारा की गई तरक्की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी जो नेटवर्किंग है, हाईवेज की 50% वृद्धि हुई है, मैंने पहले ही उल्लेख किया, हवाई ट्रैफिक को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल वर्ल्ड की स्थापना इस देश में हुई, जो हिंदुस्तानी को डिजिटली करेक्ट करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे रेवेन्यू लीकेज जो होता था देश में, उस रेवेन्यू लीकेज को खत्म करने का काम हमारी डिजिटल पद्धति ने किया है। आरंभिक परेशानियों के बाद जीएसटी को भी, जीएसटी स्थिर हो गया है और सरकार के कर राजस्व संग्रह में उसके कारण एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी महोदया का अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमें इस भारत को पिछले 20 वर्षों में 2 तरह का भारत हमारे देश के लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है। पहला भारत 10 वर्षों का यूपीए के नेतृत्व में चलता हुआ भारत, और दूसरा इन 9 वर्षों का भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को देख रहे हैं। जो 2014 में 11 साल का नौजवान बच्चा था, वो आज मतदाता इस देश का बना है। उसे नहीं मालूम वो भारत कैसा था, उसे नहीं मालूम कि उस समय भारत के झंडे का निरादर होता था, प्रतिक्रिया नहीं होती थी। आज वही भारत का झंडा अगर चलते हुए युद्ध में निकल जाता है तो युद्ध विराम का कारण बनता है। माननीय सभापति महोदय, ये भारत की हमारी सामर्थ्य सामने आई। हम कह सकते हैं कि यूपीए के समय ऐसा भारत था जो सुबह सोकर उठते थे, मैं भी उस समय सांसद था, डर लगता था सुबह सोकर उठे टीवी चालू करे, कोई नया स्कैम तो नहीं आ गया। आज हम लोग चिंता करते थे कैसे सफेद पोश का जितना अपमान उस दौर में था, खादी का जितना अपमान उस दौर में हुआ माननीय सभापति महोदय, उतना आजादी के बाद शायद कभी नहीं हुआ होगा। राजनेता खादी पहनने से बचने लगे थे, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में लोग नेता होने से बचते थे, कोई ये ना कहे ये नेता है, ये भ्रष्ट है, ऐसा वो दौर था सभापति महोदय। और आज उस समय जब स्कैम्स आते थे, एक दिन कोल स्कैम, दूसरे दिन जूजी, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, कभी सत्यम घोटाला, कभी एनरॉन, कभी आदर्श सोसाइटी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अनेक और विभिन्न घोटालों की चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर दिया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन हमारी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान हाईटेक हुआ है, बाहर से लोग हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं। आज यहाँ का नौजवान जो बाहर पढ़ने जाता था वो पुणे, बेंगलोर, मुंबई और ऐसे शहरों में रुककर यहाँ अध्ययन करने पर हमारा नौजवान आकर्षित हो रहा है। एक डिजिटल भारत में प्रगति का रास्ता खुला है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आप देखिए पहले सुरक्षा के घेरे, चारों तरफ पुलिस का साया, कई राज्यों में हम जा नहीं सकते, इस बात की एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सामर्थ्यवान गृह मंत्री, मुझे लगता है कि आजाद भारत में सरदार पटेल के बाद अगर किसी शक्तिशाली गृह मंत्री ने देश का नेतृत्व किया है माननीय अमित शाह जी हैं। आज पूरा देश हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर और दक्षिण भारत में जो हमारी समस्या थी वो शांति के टापू बनते जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, 2014 से पहले टीथलेस फॉरेन पॉलिसी थी। कोई भी कुछ कह के चला जाए, कोई भी कुछ कर दे, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता था। और 2014 के बाद, 2014 के पहले 26/11 हुआ, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, और 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जैसे इस देश के प्रधानमंत्री बने,
लोगों के खून में राष्ट्रवाद जगना चालू हुआ और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश को मोदी सरकार की विदेश नीति पर भरोसा है। उरी में अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश को मान बढ़ाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। 2019 में बालाकोट में हवाई हमला करने के बाद अगर देश का मान बढ़ा है तो उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी की सेना को दखल न देने की उनकी नीति है, सेना को फ्री हैंड देने का उनका एक सोच है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति काम कर रही। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को FATF सूची के तहत रखने के लिए पैरवी की, जिसने पाकिस्तान को सभापति महोदय दिवालियेपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक UPA का एक दौर था जब मिडिल क्लास जो है गुस्से से सड़कों पर घूमता था। पूरा देश उस समय देश का नौजवान सड़कों पर था, सरकार के विरोध में था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जीत के साथ मिडिल क्लास को एक उम्मीद की नई किरण मिली। लोग कहते थे कि आलोचक कहते थे ये मिडिल क्लास बहुत लंबे समय तक किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, उनकी नियत राष्ट्रहित सर्वोपरि, गरीबों के प्रति योजनाएं, किसानों के प्रति योजनाएं, गांव गरीब के कल्याण की उनकी नीति, आज मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सम्मोहन 2014 में था उससे और बेहतर और मंत्रमुग्ध देश का नौजवान, मिडिल क्लास का नौजवान आज उनके साथ मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुरानी सब मिसालों को तोड़ते हुए लोगों की उम्मीदों पर लगातार खरा उतरते हुए जीतना जारी रखा। साथ ही लोगों ने बार बार राष्ट्रीय और राज्यों की सरकारों में हमारी सरकारों को चुनने का काम किया है, जिसमें मिडिल क्लास का बहुत भरपूर समर्थन है। और आज हमारा जो बजट आया, अगर हमारे बजट को आप देखोगे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सरकार ने अलग से प्रावधान किया है, जैसा आज के पहले कभी नहीं हुआ था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में चिकित्सा का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, चिकित्सा गरीब के लिए बड़ा संकट का कारण होती थी, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से, सरकार की नीति के माध्यम से, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवा और इलाज की व्यवस्था घरों तक पहुंची है, गरीब के घर तक पहुंची है। जेनरिक दवाओं की पेशकश हमारी सरकार ने की है। हार्ट के स्टेंट्स और नी इम्प्लांट जैसे मेडिकल इम्प्लांट की कीमत जो पहले लाखों में होती थी, अब वो हजारों में सिमट के आई है। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी का जो एक लोगों का उनके प्रति मोह को लगातार बनाए रखने का एक कारण है। मैं आज कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, हाईवेज हैं, हाई स्पीड रेलवेज हैं, वर्ल्ड क्लास रोड फैसिलिटीज हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ है, उसके नेटवर्क को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बढ़ाया है, इस पर सरकार के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार लगातार ये देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, इस पर लगातार मैं अभी 2 मिनट में नहीं होगा मैम, क्योंकि अब मैं दूसरा वक्ता हूं और मैं सभापति महोदय में करूंगा, वाइंड अप करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, मैं धन्यवाद देता हूं उनके प्रति, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान में नारियों के और बेटियों की सम्मान की बात उन्होंने अलग से उल्लेख किया, उसके पीछे कारण है माननीय सभापति महोदय। हमारी सरकार जब 2014 में बनी थी उसके पहले बेटियों के जन्म दर देखें, अब 2014 के बाद आज बेटियों की जन्म दर देखें, जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा में सुविधाएं दी हैं, बेटियों की शिक्षा में हमने सुविधाएं दी हैं, स्व सहायता समूह में 9 करोड़ महिलाओं को हमने मदद करने का काम किया है। हमारे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में CP जोशी ने जैसे कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आज कदम से कदम मिलाकर इस देश में आगे बढ़ रही हैं, और 9 करोड़ महिलाएं हमारे राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी जी को दुआएं देने का काम करती हैं। माननीय सभापति महोदय, नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, सेना में हमारी महिलाओं की भागीदारी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। फाइटर जेट अगर महिलाएं चला रही हैं तो वो NDA की सरकार में ही संभव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा निर्णय, 3 तलाक, जिससे पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाएं एक उनके लिए कष्ट का और परेशानी का सबब था, ऐसा निर्णय था जिसमें सरकारें और नेता हाथ डालने का काम नहीं करते थे। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, बधाई देना चाहता हूं हिंदुस्तान की 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को जिनके पक्ष में 3 तलाक का कानून सदन में आया और आज वो महिलाएं भी गौरव से अपने देश में जीवन यापन कर पा रही। हमारी सनातन संस्कृति की चर्चा CP जोशी जी ने बहुत विस्तार से की,
मुझे लगता है उसी के कारण सब खड़े हो गए थे। मैं ज्यादा लंबी व्याख्या उसकी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, अयोध्या में अगर रामलला सरकार 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, ये प्रयास पहले किसी और ने क्यों नहीं किया। ये लिखा है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में आया, तब उसने न्यायालय के माध्यम से, उस न्यायालय में एफिडेविट देकर कि रोज 24 घंटे सुनवाई हो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस निर्णय का फैसला शीघ्र आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करते हुए, न्याय व्यवस्था का अभिनंदन करते हुए, हम कह सकते हैं कि रामलला के मंदिर का निर्माण होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और 2024 की किसी तारीख में उसका उद्घाटन पूरी दुनिया उस हमारे राम मंदिर को देखेगी। केदारनाथ धाम का विकास हमने किया है मध्य प्रदेश में महाकाल महालोक की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने जाकर उसका उद्घाटन किया है। काशी में विश्वनाथ धाम बन रहा है और चिंता मत करना अधीर रंजन जी, बहुत जल्दी मथुरा में भी कृष्ण लोक बनेगा, उसके लिए भी लोग लालायत हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, नेताजी की प्रतिमा लगाई गई और सबसे महत्वपूर्ण, आज तक पहले जो अवार्ड मिलते थे सभापति महोदय, पहले परमवीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के अवार्ड दिए जाते थे, अवार्ड के बाद उनकी कभी चर्चा नहीं होती थी। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने सेनाओं के मान की, सेनाओं के जोश की अगर चर्चा की है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से इस देश में दीपों के नाम रखे जाएंगे, ये भारतवासी कभी कल्पना नहीं कर सकता था। आज हमारे वो परमवीर चक्र धारी, उनके परिजन गौरवान्वित महसूस करेंगे कि एक जननायक ने इस देश में सैनिकों को भी मान देने का काम किया है। नेताओं के नाम से शहर बसे होंगे, गलियां बसी होंगी, राज्य बसे होंगे, लेकिन परमवीर चक्रधारियों के नाम से द्वीप करने का काम अगर किसी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। वीर बाल दिवस की घोषणा, स्टार्टअप, अग्निवीर योजना के बारे में भी तरह तरह की बातें होती हैं। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इस देश का नौजवान उसको बहुत बड़ी संभावना की दृष्टि से देख रहा है, लाखों नौजवान उसे भागीदार होने के लिए लालायत हैं। आगे आने वाले समय में अग्निवीर योजना स्थापित होगी और वो हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हमारे सिस्टम में एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा सभापति महोदय, 5 मिनट में। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। हमारा संविधान आम नागरिकों को ताकत और परिणाम देने वाला संविधान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीयता और राष्ट्रवाद की पहचान हुई है, उसकी स्थापना हुई है। मैं ये सब कुछ निर्भर करता है माननीय सभापति महोदय, सत्ताधारी पार्टी की नियत और नीति पर, हमारे दल और हमारे नेता की कार्यशैली है। आज देश हर क्षेत्र प्रगति कर रहा है, गांव, गरीब, शहर, हर तरफ हम काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश में राजनीतिक नेताओं का आदर बढ़ा है। उसकी वजह है कि शुचिता और नैतिकता को के साथ उसको आदर्श मानकर हमारे लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपराधिक पृष्ठभूमि के राजनेताओं की छटनी हुई है, वो मैं जितना उनको जान पाया हूं, आगे आने वाले समय में अपराध विहीन राजनेता, ये संसद आप देखना, यहां पर जिस पृष्ठभूमि के साथ नौजवान आज आ रहा है देश का, पहले नौजवान नहीं आते थे, आज हम देखते हैं कितने हाईटेक बच्चे हैं सांसद बन के आए, रूलिंग पार्टी में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, कितने बच्चे विदेशों से पढ़ के आए, कितने हमारे यहाँ के मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं साउथ से, कितने नौजवान 28-32-32 साल की उम्र में यहाँ पर सांसद बनकर आए हैं। ये जो राजनीति के प्रति आकर्षण बढ़ा है, ये 2014 के बाद ये चीज पैदा हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सभापति महोदय, आज जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं चूंकि राजनीति शुचिता नीति और नियत की बात कर रहा हूं, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य से मैं आता हूं, लगातार 20 बरस से वहां भाजपा की सरकार है। लाडली लक्ष्मी योजना जो दूसरे राज्यों में क्यों लागू नहीं हुई, वहां बिटिया का जन्म होता है 1,20,000 रुपए की गारंटी उसको दी जाती है, बच्ची की पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, बेटी के विवाह पर, अधीर रंजन जी, बेटी के विवाह पर 50,000 रुपए देने का काम हमारी राज्य की सरकार करती है। बेटियों की पढ़ाई के ऊपर, बेटी चाहे देश में पढ़े, देश के बाहर पढ़े, उसकी फीस देने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है, वो फीस हर साल 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है माननीय सभापति महोदय। कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, माननीय सभापति महोदय, एक देश में अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश है। वो इसलिए कर पा रहा है कि वहां भाजपा की सरकार है, वहां शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, एक अच्छी नियत के साथ काम कर रही। हमने तीर्थ दर्शन योजना चालू की, पहले लोग बसों से तीर्थ यात्रा करते थे, ट्रेन में करते थे, अब हमारी भाजपा की सरकार ने
हवाई जहाज से एरोप्लेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन योजना को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हिंदी में माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर हिंदी में पढ़ के डॉक्टर बनेगा लोग सोच नहीं सकते थे। डॉक्टरी पढ़ाई अंग्रेजी का विषय होता था, लोग ये मानकर चलते थे। और शायद मध्य प्रदेश अकेला ऐसा भाजपा शासित राज्य है जहां पर किसान को 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं और 12 महीने बाद अध्यक्ष महोदय वो किसान 90,000 लौटा के जाता है, उससे ब्याज नहीं लिया जाता, 10,000 रुपए की छूट दी जाती है, 1,00,000 ले जाओ 90,000 वापस कर जाओ। ऐसा भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश है। 52,000 रुपए बिजली का बिल आता है 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन का, 52,000 का बिजली का बिल आता है, लेकिन 47,000 रुपए प्रदेश की सरकार जमा करती है, किसान से केवल 5 से 5,500 रुपए लेने का काम भाजपा की नेक नियत सरकार वहां पर करती है। दूसरे राज्य सरकारों के लिए उदाहरण है। अब और माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, जैसा माननीय राष्ट्रपति महोदया ने महिलाओं और नारी कल्याण के लिए बात की है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने एक लाडली बहना योजना चालू की। जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आपके स्व सहायता समूह की महिलाएं, बीपीएल में आने वाली महिलाएं, सारी महिलाओं को जून जुलाई के महीने से 1,000 रुपया प्रतिमाह, 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये महीना प्रतिमाह देने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है, भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था, आगे भी सशक्त होता रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि भारत का ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व को इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण रहे हैं और आगे भी अक्षुण बने रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने कहा है, एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था, आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य को आत्मसात करें जिसमें उन्होंने कहा है कि संगच्छध्वम संवद्वम सम वो मनासी जानताम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, हमारे संकल्प स्वर को एकता का प्रवाह हो, हमारे अंतःकरण को एक दूसरे से जुड़े हुए हो। राष्ट्रपति महोदया ने इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्त किया था। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मंतव्य स्पष्ट है, उनका मन, उनकी नीति, उनकी नियत स्पष्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़े और दुनिया में हिंदुस्तान गौरव को प्राप्त करे, ये उनका भाव, इस भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने हमारी सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने भाषण में स्पष्ट बातों का उल्लेख किया है। मैं श्री सीपी जोशी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी की मंशा को पूरा करने के लिए कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। आज राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों में, पूरी दुनिया जब नीचे की तरफ जा रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आइए हम सब राष्ट्र के नाम पर एकजुट हों, राष्ट्र की प्रगति में सहभागी बने, अच्छे कामों में सहभागी बने। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो कल्पना की है, एक अच्छे श्रेष्ठ राष्ट्र, जो श्रेष्ठ राष्ट्र और देश राष्ट्र, एक अच्छे राष्ट्र की जो कल्पना के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी अपना उद्बोधन किया है, मैं श्री सीपी जोशी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के समर्थन में अपनी ओर से समर्थन व्यक्त करते हुए पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि आप सब भी एकमत होकर माननीय राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें। इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।